अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करेंगे हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम और उससे होने वाले बहुत सारे ऐसे इम्पैक्ट जो कि आपकी लाइफ को बुरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। ठीक है, जो भी ये वीडियो इंडिया से देख रहा है ना वो बर्बाद है। ठीक है, याद रहे यू आर डिस्ट्रॉयड। ओके, अब तुम कितनी भी अच्छी पोजीशन पे क्यों ना हो, सच बता रहा हूँ तुम बर्बाद हो। ओके, तुम उससे भी अच्छी पोजीशन पे जा सकते थे अगर तुम इंडिया में नहीं होते तो। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखो यार, जो भी हमारा डिपार्टमेंट है इंडिया के अंदर, एक साल के अंदर 15-18, 19 से लेके 20 लाख तक इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा जो इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है वो चाइना करता है। सेकेंड नंबर पे जो इंजीनियर सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस करने वाला है वो है इंडिया। ठीक है, तो दो ही देश हमारा जो इंडिया है, एक डॉक्टर प्रोड्यूस करता है, एक इंजीनियर प्रोड्यूस करता है, और उसके अलावा और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और जिसने अगर गलती से भी अगर आर्ट ले लिया ना, ठीक है, तो उसको तो ये दुनिया वाले ऐसे देखेंगे ना जैसे कि उसने पता नहीं कितने लोगों का मर्डर कर दिया हो। ओके, और उसको इतनी बुरी नजरों से देखा जाता है कि इसको क्या ही आता है, कुछ नहीं। मतलब यहाँ पे ये है कि जिसको कुछ नहीं आता ना वो आर्ट लेता है, राइट। तो ये है यहाँ का एजुकेशन सिस्टम। अब अगर मैं आज की अगर इस सिचुएशन, इस जनरेशन की 2022 की अगर मैं बात करूँ, तो इंडिया के अंदर 93% इंजीनियर्स ऐसे हैं जो कि अप्लीकेबल ही नहीं है, यानी कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते कि वो इंजीनियर्स है। यानी कि इसका ये मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि वो इंजीनियर के लायक ही नहीं है, वो जॉब के लायक ही नहीं है, उनकी डिग्री बिल्कुल बेकार है। सिर्फ और सिर्फ 7% ऐसे लोग हैं जो कि रियलिटी के अंदर इंजीनियर्स हैं जो कि वर्क कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों, क्या वो लोग पढ़ाई नहीं किए, क्या उन्होंने 75% अटेंडेंस नहीं कंप्लीट की, क्यों, ये क्यों सिस्टम आ रहा है, क्या सिस्टम है, क्या सीन है, आज अपन कंप्लीट चर्चा करेंगे, छप्पर फाड़ देंगे इंडिया के। ठीक है, देखो क्या सिस्टम होता है। मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया, ठीक है, मुझे बताया गया था कि हमारे पास IIT की फैकल्टी है, हमारे पास वो फैकल्टी है, हमारे पास ये लैब्स है, वो है वो है, वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, मतलब एक कम कल्पना मान लो। फिर क्या होता है, फिर हमारे आते हैं लैब प्रैक्टिकल्स या फिर ट्रेनिंग इंटर्नशिप। सो जैसे हमारा फर्स्ट सेमेस्टर कम्प्लीट होता है वहां पे लैब भी नहीं होते, राइट। सो लैब कंप्लीट नहीं हुआ तो मुझे उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, और मतलब ऐसे कॉलेजों में पता होगा कि टीचर्स भी कैसे होंगे जो कि समझ गए। ठीक है, तो फिर सेकेंड सेमेस्टर आता है, मान लो गलती से मैं अगर एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो एरोस्पेस में क्या होता है, मिसाइल बनानी होती है ना, स्पेसशिप में जाना होता है, सेटेलाइट्स बनाने होते हैं, जो भी नैनो साइंस है, राइट। सो उसके लिए तो उपकरण चाहिए, और आपको पता है तो कितने महंगे आते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजों का हाल बता रहा हूँ। और अगर गलती से अगर कॉलेज अगर पंजाब के अंदर है तो फिर सोच लो क्या होगा, पंजाब के अंदर है तो पंजाबी बोलेंगे ना, क्योंकि उनको इंग्लिश तो समझ आता नहीं है, नोटिस किस में लिख के देंगे, पंजाबी लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ जो भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है उसका वाइस चांसलर तो वो है, क्या समझ सकते हो, ठीक है, तो उसको तो क्या समझ आएगा, राइट। सो फिर वो तो पंजाबी लैंग्वेज के अंदर लिख के देगा, तो जो भी बिहार वाला मेरा बच्चा है वो क्या पढ़ेगा, पंजाबी के अंदर। 4 साल तक तो वो पंजाबी लैंग्वेज पढ़ता रहेगा, यस तुसी साडा फलाना फलाना फलाना, राइट। सो ये हो रहा है स्पेशली लैंग्वेज का प्रॉब्लम। ओके, सो पंजाबी लैंग्वेज के अंदर तुमको सिखाया जाएगा, पहले तुम ऐसा करो पंजाबी सीखो, ठीक है, फिर आगे देखते हैं, पूरा वीडियो देखना, बहुत मजा आने वाला भाई। आप लोगों ने देखा है YouTube उठा के चेक करो, वहां पे अगर हॉस्टल लिख दिया ना इंजीनियरिंग हॉस्टल, तो आपको ऐसे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। और इंजीनियरिंग कॉलेजों के अंदर इंटरनेट लगा पाना, तो मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजों के डायरेक्टर तो ऐसे बोलते हैं, ठीक है, आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक डायरेक्टर था, ठीक है, एक था डायरेक्टर, ओके, सो वो आता है और बच्चे अगर उसको बोलते हैं कि सर हमें पढ़ाई लिखाई करनी है, हमने वो ले रखा है, क्या बोलते हैं उसको, सब्सक्रिप्शन ले रखा है अनअकैडमी का, IIT गेट क्लासों का, राइट, और हमारे पास पढ़ने के लिए इंटरनेट नहीं है, यहाँ पे इंटरनेट चलता नहीं,
डायरेक्टर क्या बोलता है बच्चों को, डायरेक्टर बोलता है कि आई नॉट वॉन्ट टू कम्प्लीट दिस इंटरनेट कनेक्शन बिकॉज बिकॉज इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग सिर्फ और सिर्फ बच्चे सिर्फ पोर्न वीडियोस देखने के लिए कर सकते हैं, ठीक है, गंदे वीडियोस गंदगी फैलाने के लिए कर सकते हैं और इंटरनेट का कोई उपयोग नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे डायरेक्टर्स, ऐसे जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि मतलब तुम लोगों ने कहाँ से कर ली ऐसी इंजीनियरिंग, है PhD, बहुत सारे ऐसे हैं कि हमने इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर रखे हैं, ठीक है। तो उनको वहाँ पे यही सिखाया गया था शायद, और उनकी जनरेशन भी यही होगी, ठीक है। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी बोलते हैं कि तुम लोग रूम वगैरह साफ नहीं रखते हो, ऐसे नहीं रखते हो, ठीक है, इंजीनियर्स को बोलते हैं स्पेशली ऐसा, ठीक है। तो मान सकते हो क्या कंडीशन है। खैर, हमारा टॉपिक ये है कि ये इंजीनियरिंग का क्या सीन है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रही है इतनी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा एजुकेशन सिस्टम में ही प्रॉब्लम है कि बच्चों के लैब तो एक भी कंप्लीट नहीं हो रहा, ठीक है, मेरा भी नहीं हो रहा। और इसके लिए कुछ ऑप्शंस बताता हूँ। आप डायरेक्टली जो है कंज्यूमर कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, डायरेक्टली फटाक से जाइए कंज्यूमर कोर्ट के पास और आपको एटलीस्ट 15 से 20 दिन के रेजुल्यूशन दिया जाएगा। कुछ प्राइवेट कोर्ट कंपनीज है जो कि आपको 999 रुपए के अंदर आप उनके पास रजिस्टर कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी के खिलाफ केस ठोक दो आप, ठीक है। और जो होगा देखा जाएगा, और अगर आप केस ठोकते हैं तो 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको यूनिवर्सिटी से नहीं निकाला जाएगा, ठीक है। और आज मेरे 1.5 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं, अगर किसी बच्चे को अगर निकाल देता है यूनिवर्सिटी तो मेरे पास आ जाना, ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर तुमने अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया है, अगर कोई पुलिस वगैरह में केस वगैरह किया है कुछ, और अगर तुम्हें अगर यूनिवर्सिटी निकाल देता है कि तुमने हमारी यूनिवर्सिटी के खिलाफ कुछ पोस्ट डाली या फिर हमारे खिलाफ केस किया, तो हम तुम्हें निकाल रहे हैं। अगर ऐसा तुम्हारे साथ केस होता है तो तुम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो या फिर हमारे पास आ सकते हो, ठीक है। बहुत बड़े बड़े कनेक्शन है अपने, ठीक है, IIT के अंदर सारे के सारे बच्चे अपने ही है, ठीक है। मेरे खुद के एटलीस्ट 1.5 लाख फॉलोवर्स हो चुके हैं, यूनिवर्सिटी की धज्जियां उड़ जाएगी। प्राइवेट में ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट वाले तुमको चमका सकते हैं कि हमको तुमको उड़ा देंगे, ऐसा करा देंगे, वैसा करा देंगे, मतलब यूनिवर्सिटी से निकाल देंगे, वाइस चांसलर का नोटिस आ चुका है, तुम अब निकलने वाले ही हो, हमारे खिलाफ कोई भी पोस्ट नहीं डालनी है, कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं करना। अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो तुम डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करिए, नीचे ईमेल आईडी दे रहा हूँ, futureofindiaeducation@gmail.com, जल्दी लिखो ईमेल अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मेरा आप लोगों से एक सवाल है, आप लोग इंजीनियरिंग करते समय इतनी गालियां कहाँ से सीख लेते हो भाई? मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, ठीक है, मेरे अंदर ये नहीं आई स्किल गालियों वाली, लेकिन पता नहीं बहुत सारे लोगों में आ चुकी है। मेरे जो भी मैं देखता हूँ, मेरे जो दोस्त लोग हैं इंजीनियरिंग के अंदर, उनके अंदर जब उनसे पूछते हैं कि ये बात तुम सिंपली भी तो कर सकते थे ना, ये गाली देके कहने का क्या मतलब है, तो वो मुझे बोलते हैं कि इससे ना इम्पेक्ट पड़ता है, राइट, इम्पेक्ट पड़ता है गाली देने से। तो वो मेरा थोड़ा कम समझ आता है कि इम्पेक्ट वाला क्या सिस्टम है, और इसके ऊपर आप लोगों को गौर करना चाहिए कि जो तुम्हारी बातें ऐसी सिंपली हो सकती हैं उस पर इम्पेक्ट डालने की क्या जरूरत है, राइट, इससे मतलब तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज्यादा लाइफ डिस्ट्रॉइंग है अगर तुम गालियां वगैरह निकाल रहे हो। तो आई हम्बल रिक्वेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो चलता रहेगा, अपने परिवार की, अपने टीचर्स की इज्जत करो, अपने घर वालों की इज्जत करो, ठीक है, अपने माँ बहनों की इज्जत करो, गाली बिल्कुल भी यूज ना करें, ठीक है। मतलब हॉस्टल के अंदर 4 साल रहोगे, ठीक है, घर वालों को दूर कर दिया तुम लोगों ने, लेकिन बता दूं तुम्हारी पूरी जिंदगी घर वालों के साथ ही कटने वाली है, ठीक है। तो अपने 2-4 दोस्तों की संगत की वजह से अपने को बिल्कुल खराब ना करें, और गाली वगैरह कम से कम यूज करें जितना हो सके, नॉर्मली प्राइवेट यूज करो, लेकिन पब्लिक के अंदर, हॉस्टल के अंदर तो मतलब ऐसा सीन होता है कि एटलीस्ट टीचर लोग आना बिल्कुल ऐसा समझते हैं कि मर्डर हो जाएगा, ठीक है, ऐसा सिचुएशन होती है दिमाग में कि हॉस्टल के अंदर टीचर लोगों का आना इम्पॉसिबल सा होता है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ जैसे GFTI कॉलेजेस होते हैं ना उसके अंदर, ठीक है, मतलब सब जगह नहीं होता, ओके। सो हमारे जैसे कुछ खतरनाक लोग होते हैं, CCTV कैमरे घुसा देते हैं विंग के अंदर, वहां पे क्या हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, खैर अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, ठीक है, 7% लोग ही क्यों इलिजिबल है, 93% को क्या सांप सूंघ गया है, इसके बारे में आज कंप्लीट में डिस्कस करेंगे। यार वीडियो को पूरा देखते रहो, मजा आ रहा होगा, आई थिंक मुझे तो बहुत मजा आ रहा है बताते हुए, रियलिटी बता रहा हूँ, रियलिटी सुनने में सभी को मजा आता है, ठीक है। ये देख लो, ये मैं नहीं कह रहा, ये गूगल वगैरह ने बताया मुझे, ठीक है,
मोस्ट इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेजेस प्रोवाइड नो और वेरी बेड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज रिजिडिटी, ठीक है। सो खैर ये कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, अभी तो बहुत सारे इश्यूज दिखाने बाकी हैं आपको, ठीक है। क्या क्या होता है आपके साथ, क्या हो रहा है इंजीनियरिंग कॉलेजों में, आप मतलब क्यों ऐसे इंजीनियर्स को अगर मतलब वैसे तो अगर कोई बंदा आईआईटी से बीटेक करा है, एनआईटी से बीटेक करा, अगर आप रिश्ते वालों के अगर आप बोलते हैं ना अभी कि बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, तो इतनी बुरी तरह से हंसते हैं ना कि एटलीस्ट जो भी रिश्तेदार होते हैं आप सोच भी नहीं सकते किस तरह से हंसते हैं। अगर आप बोलते हैं ना कि लड़के की शादी करनी है और इंजीनियर है, इंजीनियरिंग कर रहा है, तो एटलीस्ट तोते उड़ जाते हैं वैसे, ठीक है। ये कंडीशन है अभी इंजीनियर्स की, ठीक है। तो एटलीस्ट क्यों है, कंप्लीट चर्चा करेंगे इसके बारे में, तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, वीडियो को यार पूरा देखते रहो, आई थिंक मजा आ रहा होगा। अभी मैंने जो मेन पॉइंट लेने शुरू किए नहीं है, अभी मैं एटलीस्ट अभी पटरे के नीचे ही चल रहा हूँ। जब हम पटरे पे आएंगे तो थोड़ा दिमाग खुलने लगेगा तुम्हारा, तो अभी पटरे स्टार्ट करते हैं थोड़ी थोड़ी। अभी तो एटलीस्ट तुमको इतना सा पता चला है कि तुम्हारे साथ ये जो इंटर्नशिप वाला ये स्कैम हो रहा है, तो जितने भी अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेजों में अगर तुम पढ़ रहे हो, तो इंटर्नशिप को थोड़ा सा अच्छा सा लेने का प्रयास करें, और सेकेंड ईयर में अगर हो या फिर फर्स्ट ईयर में हो तभी से ही लग जाओ कि मुझे कम से कम बहुत अच्छी इंटर्नशिप लेनी है। ओके, तो उसके अंदर तुम्हें पैसे भी मिलते हैं तो मजा भी आएगा। ओके, सो इंटर्नशिप के लिए तुम अच्छे से ट्राई कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी आपसे यही एडवाइस है कि आप ज्यादा से ज्यादा मशीनों पर फोकस करें और मशीनों से बातें करना सीखें, ठीक है। मेरे को मशीनों में इतना इंटरेस्ट है कि मैं एटलीस्ट जाके ना हमारे कॉलेज के डायरेक्टर को कुछ भी बोल देता हूँ, इतना गुस्सा आता है मेरे को जब वो मशीनें वगैरह नहीं लगाता। आप सोच भी नहीं सकते उसके लिए मैंने क्या क्या तक फंड फंडे नहीं लगाए, लेकिन फिर भी उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। कुछ मतलब करने के ट्राई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो, बट आउट मैंने इसके लिए बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स लगाए थे। देखते हैं, भगवान करे कुछ हो जाए तो हम भी अच्छे इंजीनियर 77% में अगर आ जाए तो ठीक है, वरना अभी तक हम भी 93% पे है। लेकिन मेरा वादा है तुमको 70% पर ला के रहूंगा। लाल वाला बटन दबा दो, ठीक है, बस लाल वाला बटन दबा के रहो, 70% में, 7% में ला के रहूंगा। पेश करते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है जिसकी वजह से तुम 93% में आ रहे हो। पेश करते हैं फर्स्ट पॉइंट हमारा, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है थ्री इडियट। जो फिल्म आई थी उसका मेन मोटिव यही था कि कम से कम जो रणछोड़दास चाचर था ना, उसका जो भी मशीनों से इतना लगाव था, उसका मेन मोटिव यही था पिक्चर का कि कम से कम जो है तो प्रैक्टिकल है या फिर इंटर्नशिप पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाए, लेकिन बच्चे हॉस्टल वाले सीन को ज्यादा से ज्यादा जोर दे रहे हैं, ठीक है, या फिर डायरेक्टर की बेटी को भगाने पर ज्यादा से ज्यादा जोर दे रहे हैं। लेकिन एटलीस्ट तो मेन मोटिव उसका यही था कि ज्यादा से ज्यादा इंटर्नशिप पर फोकस किया जाए, प्रैक्टिकल पर फोकस किया जाए। किताबी कीड़ों का क्या है, ठीक है, गूगल के ऊपर सारा लिखा पड़ा है, दिमाग के अंदर कैद करके क्यों रुकू मैं, लेकिन मेरे को आता है, ठीक है। अगर मैं मशीनों को खोल सकता हूँ, सॉलिड वर्क चला सकता हूँ, केटिया चला सकता हूँ, ऑटोकैड अगर मैं चला सकता हूँ, तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। मिसाइल है, एरोप्लेन है, आसानी से डिजाइन कर सकता हूँ ना उससे मैं, फिर किताबों में घुसने की क्या जरूरत है। बुक्स पढ़ी है ना, लिखी हुई कितनी बुक्स पढ़ी है, हजारों पढ़ी है। अरे फ्रेंड अमेजोन से ले लो, मेरी फेवरेट वेबसाइट amazon.com, प्लीज विजिट amazon.in, परचेज ना ऑल द आइटम्स यू नीड, डॉट 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 डॉट, राइट। जो भी चाहिए अमेजोन से ले लो, गूगल से ले लो, राइट। गूगल बहुत सारे बच्चों का भी तो दोस्त बना हुआ है ना। क्वेश्चन आया, यस डॉट 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 गूगल, यस हेलो हेलो गूगल हेलो, सारा सब कुछ लिखा, गूगल आंसर भी दे दिया, खत्म बात, खत्म, याद करने की जरूरत नहीं, मार्क्स आ गया अच्छे। तो ऐसे लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही बच्चा, अब क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। सो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स जो भी वीडियो वॉच कर रहे हैं, सो मैंने कुछ पॉइंट इकट्ठे किए हैं तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा, एटलीस्ट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को इंजीनियरिंग फैक्ट्री नाम जो है दे देना चाहिए, वैसे एजुकेशन वगैरह सब बंद करके, तो एटलीस्ट 15 से 20 लाख जो इंजीनियर्स पर ईयर प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओके, सो ये एक इश्यू है।
बच्चों के पास कोई लैक ऑफ एक्सपोजर नहीं है, उनको पता नहीं है कि इंजीनियरिंग इंडस्ट्री एक्चुअल में चाहती क्या है। ठीक है, हमारा मेन मोटिव यही है कि एक तो प्रोडक्ट बनाना है हमें, एक सर्विस देनी है हमें। ठीक है, पैसा दो ही चीज़ों से कमा सकते हैं हमें, एक एक तो चीज़ हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। जितने भी इंडिया में कंपनीज है, कोई सी भी कंपनी, कोई सी भी चीज़ उठा के देख लो आप, एक तो चीज़ ऐसी होती है जो प्रोडक्ट बनाती है, एक सर्विस देती है, इसके अलावा और कोई हमारे पास इंसानों के पास काम नहीं है। बस सर्विस दो, दूसरा प्रोडक्ट बनाओ, या फिर प्रोडक्ट बनाओ सर्विस दो। ठीक है, थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिकल, ये तो सभी को पता ही है क्या हो रहा है। अभी अगर मैं इंजीनियरिंग कॉलेजों की बात करूँ तो हमें एक भी प्रैक्टिकल नहीं करवाया गया, हमें सिर्फ थ्योरी करवाई गई। हमारे पास प्रैक्टिकल सेंड कर दिया गया कि यार जो है आप अपनी फाइल के अंदर उठा के हमें सेंड कर दो, हमें जो कुरियर कर दो, और जो भी है हमारे गूगल क्लासरूम में फाइल सबमिट कर दो। ओके, तो समझ सकते हो कि इंजीनियरिंग का क्या हाल है, ये रिजिडिटी क्या होता है। मोस्ट इंडियन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर इन कैपेबल फॉर वर्किंग विदाउट स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉर मोस्ट प्रोडक्ट कंपनीज, दिस इज अ प्रॉब्लम। इंजीनियर हैव टू थिंक नॉट जस्ट फॉलो ऑर्डर्स राइट, दिस इज वेरी वेरी नाइस। आई थिंक मैं इसका सपोर्ट करता हूँ, फुली सपोर्ट। लैक ऑफ डिसिप्लिन, सीरियसली टेल एन इंजीनियर स्टूडेंट्स दैट टुमारो टेस्ट इज कैंसल्ड, आई विल बेस्ट विल स्टॉप स्टडिंग, दिस इज रियली नॉट एक्सेप्टेबल। नो एम्प्लॉयर हैज द पेशेंस टू इंश्योर दैट इज ऑलवेज अ कैरोट ऑन द स्टिक टू कीप फोकस राइट। इसका सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा कल टेस्ट था राइट, अगर वो कैंसिल हो जाता हम पढ़ना ही बंद कर देते हैं, हमें पता नहीं है कि वो आगे कभी होगा राइट। तो ये भी एक बहुत गलत बात है। एटीट्यूड इशू, इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट्स आर फॉर द मोस्ट पार्ट इनकंप्लेबल ऑफ एक्नोलॉजिंग दैट दे स्क्योर्ड। आई नो पीपल वो हैव बीन, माय गॉड, देख सकते हो। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं क्या करना चाहिए हमें। देखो यार, जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो, पेरेंट्स है, टीचर है, जो भी वीडियो वॉच कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा मेन मोटिव है इंजीनियरिंग कंप्लीट करके। हमारे जो मैक्सिमम दो वर्क होते हैं, जो भी हम इंजीनियर्स हैं इंडिया के अंदर, जो भी या पूरे वर्ल्ड यूनिवर्स के अंदर जो भी ह्यूमन से रह रहे हैं, उनके दो ही काम होते हैं। एक तो हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, एक हम सर्विस दे सकते हैं। प्रोडक्ट बनाने का मतलब ये है कि हम कोई भी कंपनी के अंदर जुड़े, जो भी प्रोडक्ट बना रही है उसमें सहायता करें, काम करें, और वो प्रोडक्ट को सेल करें, और जिससे पैसा आएगा। दूसरा काम है सर्विसेज का, मतलब होता है जो भी लोग सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे जियो वगैरह है, TCS है, ये लोग सर्विस दे रहे हैं राइट। तो एक कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, एक कंपनी सर्विस दे रही है, बस इसके अलावा इंसानों के पास और कोई काम नहीं है, दो ही काम है। तो तुम्हें बस ये समझना चाहिए कि मेरा काम ये है कि मुझे या तो प्रोडक्ट बनाना है, या फिर मुझे सर्विस वाली कंपनी ज्वाइन करनी है, या कंपनी खड़ी करनी, कुछ भी हो। ठीक है, दो ही वर्क है तुम्हारे पास, या तो सर्विस वाला पकड़ो या प्रोडक्ट वाला पकड़ो। अब उसके लिए कुछ स्किल्स चाहिए ना, मैं कंपनी में जाके किताबें नहीं बांचने वाला, कंपनी को क्या चाहिए। अभी स्किल क्या होता है, इसको मैं आपको सिंपली फंडा समझाता हूँ। सब्जी लेने गए हो तो मैं 100% ठीक है, मेरा खुद का वेयर हाउस है, तो बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है, मैं वैसे जाता नहीं, कभी कभी अगर चला भी जाता हूँ, जब मैं थोड़ा पहले छोटा था तो मैं देखता था कि जो भी लोग सब्जी लेके जाते हैं वहां से, तो वो चाहते हैं कि फ्री कॉस्ट धनिया मिले हमें। ठीक है, तो वैसे ही कंपनियां चाहती है कि आपकी स्किल हमें फ्री मिले, बिल्कुल फ्री कॉस्ट। यदि हम चाहते हैं ना कि हमें सब्जी के साथ धनिया तो फ्री मिलेगा ही मिलेगा राइट, तो वैसे ही कंपनियां वाली चाहती है कि हमें स्किल सबसे पहले फ्री मिले ही मिले, किसी भी हाल में मिले। अगर धनिया फ्री नहीं है तो वो स्किल, मतलब आपको जॉब नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर धनिया फ्री नहीं दे रहे हो तो आपसे वो सब्जी भी नहीं लेंगे, उस प्रकार आपको जॉब भी नहीं मिलेगी, समझे। तो धनिया फ्री नहीं लेना। सो यार, मेरा कहने का मेन मोटिव यही था। ठीक है, आई रियली सॉरी अगर कोई इंजीनियरिंग कॉलेजों के बारे में मैंने कुछ अगर गलत बोल दिया हो, सही बोल दिया हो, तो ये कोई इश्यू नहीं था, लेकिन अवेयरनेस बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ। ओके, सो अगर किसी स्टूडेंट के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो दिस इज रियली रॉन्ग, और ये इंडिया की रियलिटी है, और इंडिया के अंदर एक भी क्वालिटी इंजीनियर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा है साहब, ये रियलिटी है। ठीक है, और 100 में से एटलीस्ट 17 लोग सुसाइड कर रहे हैं, और बेंगलोर जो है सुसाइड हब बन चुका है इंडिया के अंदर। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज हो रही है अभी, स्ट्रेस 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 स्ट्रेस, और ओनली एंड ओनली सुसाइड्स इन इंडिया। ओके, ये रियलिटी है। ओके, और आपने देखा होगा 99% केसेस में ऐसा ही होता है कि जो है फ्रेशर्स को नहीं हायर करते, हम फ्रेशर्स को नहीं हायर करते। ओके,
उस कंडीशन में आपके पास अगर स्किल्स हैं तो उस कंडीशन में कुछ हो सकता है, लेकिन रियलिटी यही है कि आपका अगर आप एक नॉर्मल गवर्नमेंट और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ रहे हो तो आपका कुछ नहीं हो सकता। आई हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू, आप इंटर्नशिप करें, प्रैक्टिकल करें, वरना आपकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद है।